नमस्कार। अभी आज का वेदर के बारे में आज हम अपडेट दे रहे हैं। तो अभी आप सब लोग जानते हैं कि हम काल वैशाखी के सीज़न में हैं, और इस काल वैशाखी के सीज़न में आप सब लोग जानते हैं कि थंडरिंग बहुत ज़्यादा, लाइटनिंग होता है, वर्षा प्रजो बहुत ज़्यादा, विद्युत आ जाता है। तो इस सीज़न में अभी हम अगरतला मेड सेंटर की तरफ से सभी को एक सूचना प्रसारित करना चाहते हैं कि अभी आप सब लोग अपना प्रिकॉशन ले लीजिए। जब लाइटनिंग है तो घर से बाहर मत निकलिए। आज हम 17 तारीख को है। आज 17 तारीख को अगर हम देखेंगे कि लाइटनिंग बहुत ज़्यादा आज 17 तारीख के लिए चांसेस है, एक दोपहर के बाद लाइटनिंग। आज सुबह देखेंगे तो सुबह भी बहुत ज़्यादा जोर से लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म हुआ था, 3 घंटे के लिए हुआ था। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, वाई डिस्ट्रिक्ट और फिर वो नॉर्थ की तरफ जा रहा था। सेम वही पैटर्न में अगर हम सेकेंड हाफ में भी बहुत ज़्यादा चांसेस आज हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग होने का। 18 तारीख, 19 तारीख, 20, 21, ये चारों दिन, यानी ये कंटिन्यू 17 से लेकर 21, एक पांचों दिन अगर हम बोलेंगे तो थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। आपको ये भी हमको आप बताना चाहते हैं, ये सीज़न कोई बारिश वाला सीज़न नहीं है, प्री मानसून काल वैशाखी सीज़न। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश ऐसे होती नहीं है, 20 मिनट 30 mm ऐसा बहुत ज़्यादा बारिश तो नहीं होती। बट थंडरस्टॉर्म जो है, लाइटनिंग, उससे हमको बचना है, उसको हमको मॉनिटरिंग करना है। हमारे बहुत सारे ऐप्स है, दामिनी ऐप्स है, मौसम ऐप है, तो वो आप उसको कृपया डाउनलोड कर लीजिए। उसके माध्यम से आप देखिए कि कौन से आपके कौन से रीजन में थंडरस्टॉर्म, कौन से गांव में, कौन से जिले में थंडरस्टॉर्म हो रहा है, और उसको आप प्लीज़ ट्रैक करते रहिए। उसके तरफ हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत सारे इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्टिंग भी इशू किया हुआ है कि थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के समय क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसके ऊपर इसको आप फॉलो कीजिए, हमारे वेबसाइट, ट्विटर हैंडल, फेसबुक, इसके ऊपर एक कंटिन्यू लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हम देते रहते हैं, उसको फॉलो करते रहिए। आप भी सतर्क रहिए, दूसरों को भी सतर्क रखिए। इसके वजह से हम जो पशु पालन